आदित्य 15 साल का है और हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा का रहने वाला है। 5 महीने पहले आदित्य आम के पेड़ से नीचे गिर गया था, जिस कारण उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। इसके बाद आदित्य का स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद आदित्य में कोई भी रिकवरी नहीं आई है। आदित्य के शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वह पिछले 6 महीने से बेड रेस्ट पर है, जिस कारण उसे बेड सोर हो गए हैं। आदित्य को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस कारण आदित्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। आदित्य की हालत बहुत नाजुक है। आदित्य के पिता लोन लेकर 15 लाख रुपए आदित्य पर खर्च कर चुके हैं और आदित्य की ड्रेसिंग और दवाइयों का रोजाना खर्चा 5,000 रुपए है। आप सबसे विनती है कि कृपया इस बच्चे की मदद करें। बच्चे को मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत है। संजू, मैं आदित्य दुर्वाल का फादर हूँ। लगभग 4 मंथ पहले जुलाई 14 को आदित्य को आम के बगीचे में गिर गया था। उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई थी और उस एमरजेंसी में हम उसको अमनदीप हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पे उसका ऑपरेट वगैरह हुआ, मगर अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। वहाँ पे जाते हमारा कम से कम भी 15 लाख के करीबन खर्च हो चुका है और अभी तक डेली उसकी ड्रेसिंग वगैरह और दवाई वगैरह का कम से कम दिन का 3,000 के करीबन खर्च चला हुआ है। और मैं गरीब परिवार से हूँ, कृपया मेरे बच्चे की सहायता करें। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण सिंह हीर है, मैं ग्राम पंचायत लोहापुरा से प्रधान हूँ। हमारे गांव नेहरा में एक बहुत ही बच्चे का भयानक एक्सीडेंट हुआ था जुलाई में, जिसकी स्पाइन इंजरी हुई थी, जिसको उसके गरीब माता पिता ने पठानकोट आनंदीप हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पर इसको काफ़ी दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद फिर इसको टांडा रेफर किया गया। रिपोर्टर ओम प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।